Welcome to the second part of September 2020 CS1 paper. So now we are going to start with हमने first part में question number 8, 9, 10, 6 हमने कर लिया था. 7 से चालू करेंगे अभी हम लोग. The probability density function of a normal distribution is given. Identify which one of the following options gives the correct expression for the exponential family of the density f. So, ये तो बहुत simple है. ये हमने class में भी किया है. So, इसका होगा answer number 2. ठीक है ना? Which is exponential xm minus m square by 2 by s square minus x square by 2s square minus ln 2 pi s square by 2. ठीक है, so this was very simple. उसके बाद में फिर हम लोग को बोलता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द नेचुरल पैरामीटर स्केल पैरामीटर. तो इसमें अपना जो आएगा दैट विल बी नंबर 4. सो थीटा अपना जो है यहां पर m है, फाई जो है दैट इज s स्क्वायर, b थीटा इज व्हाट m स्क्वायर बाय 2, a फाई इज व्हाट s स्क्वायर. ठीक है, c x कॉमा फाई इज व्हाट माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस एल एन टू पाई एस स्क्वायर. ठीक है, फिर अपने को बोलता है एन एनालिस्ट फाउंड दैट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना एंड इतना. In your answer, you may denote theta by theta and phi. Justify using the properties of the exponential family whether or not the analyst is right about the mean and standard deviation of this distribution. ठीक है, the expectation is correct. ठीक है, so expectation अपने को कैसे मिलेगा? When we will calculate b dash theta by taking the derivative of b theta, right? The standard deviation is not correct. In fact, it is the variance that is s squared. ठीक है, अपने को एस डी दे दिया है, वेरियंस होगा वो. इट इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ बी थीटा. सो बेसिकली अपने को करना पड़ेगा बी डबल डैश थीटा इंटू ए फाई. ठीक है ना, सो बी डबल डैश थीटा इंटू ए फाई विच विल बी एस स्क्वायर. कॉन्ट्रास्ट अ न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड अ फैक्टर को वेरिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ जीएलएम. अ फैक्टर टेक्स अ कैटेगोरिकल वैल्यू एंड फॉर अ फैक्टर विथ के लेवल्स there are generally k parameters. For a numerical variable, the value is included as such in the linear predictor and there is a single parameter in the model for each numerical variable. ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं. A factor takes a categorical value and for a factor with k levels, there are generally k parameters. तो क्या बोलता है यहां पर, ध्यान से देखना. अपने को बोलता है a factor takes a categorical value and for a factor with k levels there are generally k parameters. For a numerical variable, the value is included as such in the linear predictor. अब numerical के लिए क्या बोलता है, numerical variable comma the value is included
as such in the linear predictor and there is a single parameter in the model for each numerical variable. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फोर में आइए. अ रैंडम वेरिएबल y हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो हम लोग को एफ वाई दे दिया है. सो एफ वाई इज ए टू द पावर माइनस फाइव वाई, वाई विल बी ग्रेटर देन बी. द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y इज एमवाई टी, राइट डाउन द बाउंड्स ऑफ द इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एमवाई टी. फिर हम लोग को एमवाई टी निकालने बोल रहा है, फिर कंडीशंस बोलने बोल रहा है, फिर हम लोग को बोलते हैं डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन गिविंग द कॉन्स्टेंट ए इन टर्म्स ऑफ बी बाय यूजिंग योर आंसर फॉर एमवाई टी. ठीक है, सो बेसिकली जब इंटीग्रेट करेंगे तो y का रेंज में करेंगे तो वो हम लोग का आएगा b टू इंफिनिटी. ठीक है, सो बेसिकली एमवाई टी इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी वाई. तो दिस इज इंटीग्रेशन b टू इंफिनिटी e टू द पावर टी वाई ए टू द पावर माइनस फाइव वाई डी वाई. ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने से क्या आएगा, सॉल्व करने से क्या आएगा, सॉल्व करने से अपना आ रहा है ए टू द पावर माइनस फाइव माइनस टी बी होल डिवाइड बाय फाइव माइनस टी. तो यहां पर अपने को समझ में आ गया दैट टी शुड बी लेस देन फाइव. ठीक है ना, फिर हम लोग को बोलता है एक्सप्रेशन गिविंग द कॉन्स्टेंट ए इन टर्म्स ऑफ बी. सो एक काम करो, इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट टी इज इक्वल टू जीरो. सो अगर टी के जगह में जीरो डालेंगे, सो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, राइट. सो एम एम वाई जीरो, सो विच इज वन. सो दिस इज वॉट टी की जगह में जीरो डाल दो. सो ए बाय फाइव ई टू द पावर माइनस फाइव बी. सो फाइव बाय ए, अपने को एक्चुअल में ए ही निकालना है. सो फाइव ई टू द पावर फाइव बी इज ए. ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला. इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर वन में आइए. लेट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एटी वन बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स ईच विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइव एंड वेरियंस फोर. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक समेशन एक्स आई. ठीक है, तो समेशन एक्स आई का अपने को निकालने बोल रहा है. तो समेशन एक्स आई विल बी वॉट एन म्यू एन सिग्मा स्क्वायर. सो सी एल टी लगाएंगे अपने यहां पर. सो टी विल अप्रोक्सीमेटली फॉलो नॉर्मल 81 इंटू 5 कॉमा 81 इंटू 4. सो दिस विल फॉलो नॉर्मल 405 कॉमा 324. ठीक है, फिर अपने को होने वाला कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन 369. सो प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन 369, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 369 माइनस 405
बाय रूट अंडर 324, ठीक है ना। तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा, अ पेयर ऑफ फेयर सिक्स साइडेड डाइस इज रोल्ड वंस, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू डाइस इज 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, सम ऑफ द टू डाइस इज 7, 6 तरीके से आ सकता है, तो 6/36 विच इज 1/6, तो दूसरा आंसर होगा। एटलीस्ट वन डाइस शोज 3, ठीक है, सो एटलीस्ट वन डाइस शोज 3, सो कैसे हो सकता है ध्यान देना, सो प्रोबेबिलिटी या तो पहले वाले में 3 आएगा, दूसरे वाले में 3 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी पहले वाले में 3 आएगा, दूसरे वाले में 3 नहीं आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी पहले वाले में 3 नहीं आएगा, दूसरे वाले में 3 आएगा। सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि दोनों में 3 नहीं आए। वन माइनस प्रोबेबिलिटी कि दोनों में 3 नहीं आए, एंड दोनों में 3 नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है विच इज 1-5/6 into 5/6। फिर बोलते हैं आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज एन ऑड नंबर, ठीक है, एटलीस्ट वन डाइस शोज एन ऑड नंबर, सो अगेन दिस विल बी 1-probability x, बेसिकली x जो आएगा 2, 4, 6, प्रोबेबिलिटी y 2, 4, 6, समझ गया। तो एटलीस्ट वन शोज ऑड मतलब दोनों में इवन आने का, 1-, सो 1-half into 1/2, सो दिस इज 3/4। मैंने क्या किया, टोटल से माइनस कर दिया, दोनों में इवन आएगा, सो अगर दोनों में इवन आएगा माइनस कर दिया तो किसी एक में ऑड आएगा। फिर अपने को बोलता है द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, द रैंडम वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डाइस, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इतना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y गिवन x इज 4, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 4 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, सो 4 आंसर नंबर 4 होगा इसका। स्टेट ए नेसेसरी अजम्पशन फॉर डिराइविंग द आंसर इन पार्ट 4A, सो x एंड y, x एंड y बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग योर आंसर टू पार्ट 4A, सो 4 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है, सो 4 प्लस 1/6 इंटू 6+5+4+... 1, यही होगा और क्या, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5। फिर अपने को बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, बेसिक प्रोबेबिलिटी में घुमा देगा, एकदम ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल ऑन 3 टेलीविजन फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस ऑल द टेलीविजन यूज्ड इन अ कंट्री, ठीक है, डिफेक्ट का प्रोबेबिलिटी दे दिया, टेलीविजन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू हैव अ डिफेक्ट, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टू करेक्टली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड टेलीविजन वॉज मेड इन फैक्ट्री बी, ठीक है, सो बेसिकली सिलेक्टेड टेलीविजन वॉज मेड इन फैक्ट्री बी, सो डिफेक्ट गिवेन मेड इन बी इंटू मेड इन बी होल डिवाइड बाय, वैसे करके करना पड़ेगा, सो इसका जो आएगा विच इज आंसर नंबर 2, अपने को चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी टीवी मेड इन फैक्ट्री बी गिवेन डिफेक्टिव, सो बेस थ्योरम अपने लगाएंगे यहां पर, बेस थ्योरम अपने यहां पर लगाएंगे, सो बेस थ्योरम लगा के अपने क्या निकालेंगे ध्यान देना, सो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवेन बी इंटू प्रोबेबिलिटी मेड इन बी होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवेन ए,
into PA plus probability defective given B into made in B plus probability defective given made in C into probability made in C. अब इसी को अपने को values में डालना है. So this is 0.015 into 40% whole divided by, मैंने B से कोई defect में निकलेगा which is 0.015. So 0.02 into 0.35 plus 0.015 into 0.4 plus 0.01 into 0.25. तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा 0.38710. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें था नहीं. तो ये हमने किया है सितंबर 20 का पेपर. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एंड वी विल बी ब्रिंगिंग मोर पेपर्स टू यू. सो 21, 22 एंड 23 भी हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.